कोई रिक्शा चलाता है चाहेगा रिक्शा वाला कि हमारा बच्चा रिक्शा चलाए जी। जब ये बीत गए रंडियों का वेश्यावृत्ति तो इसको वेश्यावृत्ति को खत्म करिए। ये नहीं चाहे कि बेटियों को डाले, नातियों को डाले, पोतियों को डाले, सबको यही को डालेंगे। ये सब बंद करिए। दबाव दिया जाए तो वो फलाने तवाइफ का घर है, वो फलाने तवाइफ का घर है, तो वो लोग बोलने पे आ जा रही हैं, झगड़ा लड़ाई करने पे आ जा रही हैं वो लोग, तो क्यों हमारा घर क्यों तुम लोग दिखाई। अब देखिए सर, जब इस लाइन में हम गंदा काम किए तो 1 करोड़ का संपत्ति हम बनाए हैं जी। मेरा परिवार, मेरी माँ तवाइफ थी जी, हाँ मेरी बहन तवाइफ है जी, हम भी तवाइफ। अरे तवाइफ का नाम। हाँ दोस्तों, इस समय हूँ मैं गाजीपुर में और मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है दोस्तों कि मैं एक ऐसी साइट पे हूँ, एक ऐसी जगह पे हूँ दोस्तों कि जहाँ के बारे में आपको बताने में भी शर्म आती है। दोस्तों यूपी में इस समय एक गांव बहुत ज़बरदस्त चर्चा में है और उस गांव का नाम बसुका है और इस गाँव में कुछ ऐसा अजीब चल रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे दोस्तों। मैं आज ग्राउंड जीरो पर हूँ और ग्राउंड जीरो से आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पर 200 किलोमीटर चल करके ऐसे ही नहीं आया दोस्तों। यहाँ पर इन बच्चियों की, इन महिलाओं की, इन माताओं की कुछ दिक्कतें हैं, इनको लेकर के सामने आया हूँ और इनकी दिक्कतें हमारा दिखाना हमारा फर्ज बनता है दोस्तों। इसलिए फर्ज बनता है कि किसी के साथ भी यदि अन्याय होता है या कोई भी व्यक्ति अनावश्यक बदनाम होता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में रहने के नाते हमें भी शर्म आती है। वो लोग ऊपर से हम लोग का वीडियो बनाती हैं, जैसे लड़कियां बैठती हैं वैसी फोटो खींचती हैं, सब ऊपर से कभी ईटा मारती हैं, यानी कि हमारा घर उन सबों से कोई अलग नहीं है। हम लोग बीच में रहते हैं, चारों तरफ से हम लोग को दबाव दिया जा रहा है। वो फलाने तवाइफ का घर है, वो फलाने तवाइफ का घर है, तो वो लोग बोलने पे आ जा रही है, झगड़ा लड़ाई करने पे आ जा रही है वो लोग, तो क्यों हमारा घर क्यों तुम लोग दिखाई। देखिए दोस्तों, हम एक महिला के घर गए जिसके बारे में हमको पता चला कि उसके घर में ऐसी कुछ करतूतें होती हैं। वहाँ पर लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया और करेंगे, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ पर कोई नहीं है। वो महिला बनारस गई हुई है, वो महिला सवेरे हमें दिखी है दोस्तों, हमें दिखी है और किसी गाँव वाले ने ही परिचय कराया था कि महिला यहीं पर है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की इस सरजमी पर जो कि गाजीपुर के नाम से फेमस है, बादशाहों की नगरी रही है, एक शान की नगरी रही है, शहीदों की नगरी रही है, जहां पर रोज लोग सीमा पर शहीद हो जाते हैं। गलत कह रहे हैं? सही बात है, सही बात। उस धरती पर यदि इस तरीके का कारनामे सामने आता है और गांव वालों के बोलने पर भी बंद नहीं होता, दैट इज द अनदर थिंग कि यहां पर नाच मुजरा होता था, वो सदियों पुरानी बात, सदियों पुरानी बात, सदियों पुरानी बात। आने वाले जनरेशन को भी खोखला बनाना चाह रही है जी, जी, ये नहीं चाह रही है कि आगे वाला जनरेशन भी कुछ करे या कोई अच्छा काम हो। देखिए, इस मीडिया ने बहुत जानदार बात कही कि ये आने वाली जनरेशन को खोखला करने की साजिश, आने वाले बच्चे भी जाने कि यहाँ गंदा काम होता है। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कराता हूं दोस्तों कि मुझे बहुत शर्म आई जब मैंने एक व्यक्ति से इस गांव का नाम पूछा तो उस व्यक्ति ने हंस करके मेरे ऊपर व्यंग किया। अच्छा बताइए आप क्या कहना। मैं एक चीज इनसे ये पूछना चाहती हूं कि अगर ये पूरी गारंटी के साथ, पूरी कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ, अगर ये बात कह रही हैं कि हम अश्लीलता नहीं करते और हमारे पास लाइसेंस है, तो मैं अपने योगी आदित्यनाथ जी से, अपने नरेंद्र मोदी जी से और अपने गाजीपुर की जो मेरी डीएम महिला हैं, वो उनसे मैं ये अनुरोध करती हूँ कि ये जिस संस्था के नाम पर फर्जी लाइसेंस बनाकर घरों के अंदर, ना कि संस्था में, घरों के अंदर तबला हारमोनियम बजाकर और बाहर के लोगों को लाकर वैश्यावृत्ति कर रही हैं, इनकी जांच कर ली जाए। इनकी संस्था इस बसुका में कहां स्थित है, उस संस्था की जांच कर ली जाए। खुद ब खुद पानी और दूध का दूध सामने आ जाए। जी जी, देखिए दोस्तों, ये बिटिया बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी लग रही है। इस बिटिया ने हमें जो बताया, ठीक है, आपने एनजीओ के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया जी, यही हुआ है ना जी। आपने एनजीओ के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया तो जमीन पर वो एनजीओ है कहां जी? पहली बार मैं यही, हम लोग हमारे थाना में इस चीज को लेकर गए थे, हमारे सीओ साहब के सामने, हमारे एसडीएम साहब के सामने, ये पूरी बात, ये पूरी कागज जो इन्होंने जहाँ से, जिस संस्था से एनजीओ के कागज बनवाए हैं, उस संस्था में लिखा है कि आप असहाय यानी विकलांग लोगों को फ्री मुफ्त सेवा में, आप उनको जागरूक यानी बच्चों को बोलना, जिन बच्चों को चलना नहीं आता उन्हें चलना, आप नृत्य कला के उसके जरिए से सिखा सकती हैं। पर ये जो है उसी लाइसेंस, फर्जी लाइसेंस के जरिए से अपने घरों के अंदर नाच मुजरा की आड़ में वैश्यावृत्ति कर रही है और कह रही है कि आप
जांच कर लें। तो मैं उन्हीं की बात को सामने रखती हूं, यदि वो इतना कॉन्फिडेंस है तो इस बसुका गांव में मैं अपने जितने भी मेरे सरकार लोग मेरी बात सुन रहे हैं और जितनी भी जनता हमें सुन रही है, उस जनता को मैं ये बात कहना चाहती हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा समर्थन दे, इस बात को दुनिया के हर कोने तक ले जाए कि इस गाँव में ये संस्था कहाँ है, उस संस्था की जाँच कर ली जाए। दोस्तों बड़े शर्म की बात है, हमें बहुत शर्म आती है ये वीडियो दिखाने में आपको, कि जहाँ पर इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं और इस बिटिया ने जो कुछ भी कहा है इसके बारे में थोड़ी सी सच्चाई हम आपको बताते चले दोस्तों, क्योंकि यदि हमारे साथ 4-5 मीडिया कर्मी भी थे, हम उनसे यदि मिलने के लिए गए, उन्होंने मिलने से मना किया और कहीं ना कहीं सारे मोहल्ले के लोग जो है वो मुँह छिपा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों मुंह छुपा रहे हैं? मुंह कब कोई कब छुपाता है? कोई मुंह कब छुपाता है भाई? सब कोई जब कोई गलत काम करता है, जब कोई गलत काम करता है तब मुंह छुपाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग वेश्यावृत्ति नहीं करते हैं, तो आप इनके आधार कार्ड चेक करवाइए, बेटे के जगह पे अपने मामा का, अपने नाना का, अपने चाचा का नाम डालती हैं, स्कूल में जिस बच्चे को दाखिला डलाती हैं उस बच्चे के नाम का बाप का नाम के जगह पे अपने मामा का नाम लिखाया जाता है, उनका आधार कार्ड चेक किया जाए, बैंक पासबुक चेक किया जाए कि उसपे नाम किसका है। ये जो आरोप लगाती है कि हम लोग के पास आरोप क्या है कि हम लोग वेश्यावृत्ति करते हैं, नृत्य कला की आड़ में, नाच मुजरा के आड़ में वेश्यावृत्ति नहीं करते, बिल्कुल मुकम्मल तरीके से जी। अभी जो हमारे छोटे भाई ने कहा जी, कि अगर गाजीपुर में जी, अगर किसी गांव के अंदर जी, किसी कस्बे के अंदर जी, अगर ये काम होता हो जी, तो डीएम साहबा को, हमारे मुख्यमंत्री जी को जी जी, जो है कि ये बेहतर जानते हैं जी जी। और मैं इतना आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से जी जी, कि जब एक शराबखाना हम जो है मोहल्ले के अंदर नहीं चला सकते हैं जी जी, जब एक जो है गलत काम हम जो है मोहल्ले के अंदर नहीं कर सकते हैं जी जी, किसी को हम मार नहीं सकते हैं जी जी, तो फिर हमको कोई कौन मारेगा? और फिर जो है कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को कोई कैसे नीलाम करेगा? और जब दारूखाना शराब आप मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर, कस्बे के अंदर नहीं बेच सकते हैं जी जी, तो ये जो है कि जिस फरोसी का धंधा कैसे चलेगा जी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और जो है कि आपके माध्यम से मैं बड़े अधिकारियों से मैं जानना चाहता हूं। गाजीपुर के डीएम मैडम आप जाग जाइए, आप जाग जाइए, और इसलिए जाग जाइए कि बहुत जल्दी आपकी भी बदनामी होने वाली है। आप उस पद पर है, उस जिले में है जहाँ की आप जिलाधिकारी है, और ये जनता परेशान है, और जनता क्यों परेशान है? डीएम साहब न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, डीएम साहब न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। डीएम साहिबा आपको जागना पड़ेगा, इसलिए जागना पड़ेगा कि ब्रजभूषण दुबे जी ने वीडियो कर दिया है, मैंने वीडियो कर दिया है, हमारे 25 भाई अभी यहाँ पर है, हम दुनिया तक इस खबर को पहुँचाएंगे दोस्तों। लेकिन गाजीपुर की सरजमी पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से रोज वीडियो डालेंगे हम आप लोगों का, और कहीं से भी ऐसा नहीं होने देंगे कि गांव में इसके तरीके का कोई भी अनैतिक करके हो, कहीं से भी कुछ अनैतिक नहीं होना चाहिए। हाँ भाई सर, जो है हमारे बहन बेटियों की शादी नहीं हो रही है जी, हमारे रिश्तेदार कह रहे हैं कि अब हम लोग आपके यहाँ नहीं आएंगे जी, हमारा क्या संविधान होगा? हमारा क्या जो है कि हल है? हमारी बहन बेटियों की शादी कैसे होगी? हम लोग कब तक जो है अपनी बहन बेटियों को जो है कि सर पे लेके घूमते रहेंगे? हमारे रिश्तेदार कह रहे हैं कि मौलाना साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, मिलिट्री मैन साहब, हम लोग बसका में बारात नहीं लाएंगे, इसलिए कि बसका में जो है कि तवायफे रहती है, बसका में वेश्यावृत्ति होती है, जिस्म फरोशी होती है, हम लोग को आने में शर्म आ रही है। तो मैं अपने डीएम साहबा से या मुख्यमंत्री जी से या अपने शासन प्रशासन से मैं सवाल करता हूँ कि आखिर हम लोगों का हल क्या है? हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत कैसे करें? यहाँ जो है कि दिल दहाड़े गुंडागर्दी होता है, हमारे दरवाजों को खोला जाता है, कुंडी खटखटाई जाती है। देखिए दोस्तों, इनका कहना बहुत, मौलाना साहब का कहना अपने आप में बहुत यूनिक है, और यूनिक ये है कि आखिर यदि हमने बच्ची पैदा की है तो उसकी शादी करना हमारा धर्म है, और यदि हम उस बच्ची की शादी नहीं कर पाते हैं, कौन करेगा इस गांव में शादी? कौन करेगा इस गांव में शादी दोस्तों? कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं चाहेगा कि मैं उस गांव का दामाद बनूं जहां पर ऐसा कुकृत्य होता है। कहीं ना कहीं योगी जी मैं अंतिम निवेदन आपसे करना चाहता हूं, और बहुत विनम्र शब्दों में कर रहा हूं कि योगी जी, आप मेरे चैनल के माध्यम से, मैं आपको पूरी न्यूज ट्वीट करूंगा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम गाजीपुर, जो शहीदों की धरती के नाम से जानी जाती है, तवायफों की धरती से नहीं जानी जाती है। हाँ बताइए।
देखिए मैं इनसे बस यही एक चीज कहना चाहती हूँ, अपने जितने भी मेरे लोग देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि ये बताइए कि जब इनसे बाप का नाम पूछा जाता है तो ये अपनी माँ से जुड़े हुए हर चीजों को सामने लाती हैं। दादी का नाम पर नानी का नाम कमरुन निसा, नानी की माँ बेटी का नाम मेहरुन निसा, मेहरुन की बेटी का नाम पिंकी, पिंकी की बहन का नाम वहीदा, वहीदा का रानी। तो इस तरीके से ये बताइए कुल पुरुष से चलता है या महिला से चलता है? खानदान पुरुष से चलता है ना। जी, जी। तो अगर आप जायज हैं, अगर आप लीगल हैं, तो पुरुष को सामने लाइए, अपने दादा परदादा को दिखाइए। यदि नहीं है तो वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, सब उसी से निकले हैं। पर आज हम जागरूक हो चुके हैं, हम नहीं चाहते कि अभी आगे और बढ़े, इसको यहीं समाप्त करें। और आप अब अच्छे मेहनत करके हक हलाल की रोजी रोटी का जरिया अपना। 2024 में चुनाव है योगी जी, 2024 में चुनाव है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये गाजीपुर की धरती है और गाजीपुर के मुस्लिम लोगों में बहुत आक्रोश है। योगी जी, हम आपको अपने बता दें, ये बिटिया जो चिल्ला रही है ना, ये बिटिया जो चिल्ला रही है, इसके पास इतना टाइम नहीं है कि अपने बच्चों को छोड़ करके और चैनलों पे अपना इंटरव्यू देते। योगी जी की सरकार ही में हम लोग अपना आवाज उठाए, इसलिए हम लोग आवाज उठाए कि योगी जी के सरकार में हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। जी जी हाँ, बहुत सुरक्षित है। हम लोग पहले की सरकार से अपेक्षा सरकार बहुत बढ़िया है, इसलिए हम लोग सुरक्षित है और हम लोग योगी जी को वोट करते हैं। हम लोग वो मुसलमान नहीं है जो मुसलमान आतंकवादी है, उग्रवादी है, वो मुसलमान नहीं है। हम लोग देशभक्त मुसलमान है, हम लोग हर एक जात को मानने वाले हैं। हम लोग वो मुसलमान नहीं है, इसलिए अपना हम लोग आवाज उठा रहे हैं। और हम लोग अपना आवाज उठा रहे हैं तो हम लोग को फंसाया जा रहा है, एक से एक छड़कानी में, एक से एक परेशानी देकर उस लोगों ने जो नाच मजने वाली है, हम लोग को फंसा दे रही है, हम लोग को बढ़िया फंसाया जा रहा है। इसलिए इससे हम लोग को निजात दिलाए योगी जी। योगी जी आपका हम लोग बहुत आभारी होंगे कि हम लोग को निजात दिलाइए, यहाँ से वेश्यावृत्ति खत्म कर दीजिए। योगी जी, बहुत सारे मीडिया समूह में ये आता है कि मुस्लिम विरोधी सरकार है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बच्चे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये बच्चे वोट भी देते हैं, इन बच्चों ने हमारी भी बहुत इज्जत की दोस्तों। हम इनके दरवाजे पर आए, जो एक मेहमान का सम्मान किया जाता है, इन बच्चों ने किया। हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। और किसी को कुछ कहना है क्या? और किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। हाँ जी बताए। हाँ, यही हम बोल रहे हैं कि जैसे हमारे पति ड्राइवर हैं, तो हम नहीं ना चाहें कि हमारे बच्चे भी ड्राइवर हो के, हम तो चाहें कि हमारे बच्चे इंजीनियर हो के, जी जी। बड़ा ओहदा पे हमारे जी बच्चे बेटी बेटा बेटी, हमारे बच्चे दो दो साल बसुका में नहीं आते हैं, दिल्ली में हमारे बच्चे ही पढ़ते हैं, शर्म की वजह से नहीं हमारे बच्चे आते हैं। कोई रिक्शा चलाता है, चाहेगा रिक्शा वाला कि हमारा बच्चा रिक्शा चलाए? जब ये बीत गए रंडियों का वेश्यावृत्ति, तो इसको वेश्यावृत्ति को खत्म करिए। ये नहीं चाहे कि बेटियों को डाले, नातियों को डाले, पोतियों को डाले, सबको यही को डालेंगे, ये सब बंद करिए। यहाँ का वेश्यावृत्ति बंद करिए। यहाँ पे रोजा नमाजे अजान के टाइम में तबला बजने लग रहा है, हारमोनिया बजने लगा, ये कहाँ का हम लोग के साथ कितना अत्याचार। हर तरीके के न्यूज दिखाते हैं दोस्तों आपको, लेकिन हमें बहुत शर्म आ रही है आज ये वीडियो दिखाते हुए, लेकिन हम मजबूर भी हैं दोस्तों। और मजबूर इसलिए हैं क्योंकि हम इन बच्चियों की, इन माताओं की, इन बहनों की तकलीफ है। आपको नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? हम दिखाएंगे। ये हमारे भाई खड़े हुए हैं, दो चार लोग इंतजार कर रहे हैं। जी जी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सरकार हो, उसके कान पे कहीं ना कहीं जू रेंगनी चाहिए। और योगी जी, आपको तो मैं विशेष रूप से निवेदित करूंगा, क्योंकि साल भर के बाद चुनाव है और गाजीपुर की धरती से आपको यदि आगे आना है तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी।